बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाओ न्यू अपडेट टीवी में। प्यारे से दोस्तों, अबू ज़बी के हवाले से एक ख़ास खबर है। जो भी मेरे भाई अबू ज़बी रहते हैं वो ये वीडियो ख़ास तौर पे पूरी देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हर बार करते हैं, कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर दिया करें। हम ये शेयर का लफ्ज़ इसलिए बोलते हैं ताकि अगर आपको ये वीडियो यानी आपको नहीं चाहिए, यानी आप दुबई में रहते हो और आप लोगों ने ये वीडियो ओपन कर लिया, तो इसको शेयर करने से शायद जो अबू धाबी के लोग हैं वो ये वीडियो देख सकें, जिसको ये वीडियो चाहिए उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि शेयर कर दिया करें ताकि नेकी का काम है, सदका जारी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारी वीडियो से एक बंदे को भी जुर्माना नहीं होता है तो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाता है। हम यही चाहते हैं कि जितने भी मेरे परदेसी भाई हैं, चाहे वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, किसी भी मुल्क से, अगर यूएई में काम करने गए हैं तो वो हमारी वजह से अगर एक बंदा भी बच जाता है, हमारी जो बातों पे अमल कर लेता है, तो हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है भाई। आप लोगों को बता दूं, अबू ज़बी ने 24 घंटे के दौरान, कितना, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के दौरान 7000 बंदों को जुर्माना किया है। कितने बंदों को? 7000 बंदों को जुर्माना किया है। कौन से बंदों को जुर्माना किया है? जो होटल्स में बैठे हुए थे, जिन लोगों ने एसओपी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था और होटल्स में बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे। आप लोगों को पता है कि यूएई में जो कोरोना केसेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उन लोगों ने वैक्सीन भी तैयार की है, वैक्सीन भी मंगवा ली है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे जो उन लोगों ने वो लागू किए हुए हैं कि मास्क वगैरह पहन के रखना, ग्लव्स पहन के रखना, एक दूसरे से फासला करके रखना है। लोग समझ ही नहीं रहे, जब तक उनको जुर्माना ना करें लोग एक दूसरे से दूर नहीं होते, खाना एक साथ खा रहे होते, जिस चीज़ से वो मना करते हैं वही चीज़ लोग कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो सख्ती, बहुत ज़्यादा जुर्माने की जो पेमेंट है वो बढ़ा रहे हैं। पहले अगर 3000 कर रहे थे, अब 5000 कर रहे हैं। अगर 5000 पहले कर रहे हैं तो आप 10000 कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो बोल रहे हैं कि आप जुर्माने की वजह से, डर की वजह से, इसके जो रूल्स है अबू धाबी के वो फॉलो करो ताकि ये कोरोना कम हो और वहाँ पहले जैसी सहूलतें आप लोगों को दी जाए। तो इसीलिए आप लोगों ने भी थोड़ा परहेज़ करना है। अगर आप किसी भी होटल्स वगैरह में जा रहे हो, किसी भी दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो थोड़ा फासला रख के, थोड़ा इसको एसओपी का इस्तेमाल करके, फिर जो आप लोगों ने देख लेने अबू धाबी के क्या कानून उन लोगों ने बनाए हुए हैं, क्या नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, तो उस हर होटल्स के बाहर एक स्केड्यूल तौर पर लगाया होता है, उसको आप लोग पढ़ लिया करें कि ये आप लोगों ने लाजमी पहनना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग खाना खा सकते हैं या कोई भी पार्टी है वो इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी मजीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें।